हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज तारीख हो चुकी है 21 सितंबर 2024 और हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2025 को लेकर आईपीएल की सभी टीमों के रिगार्डिंग दिनभर की जितनी भी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं उन सभी को लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। तो वीडियो हमेशा की तरह काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोगों को इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज के दिन की सबसे पहली अपडेट। निकल कर आ रही है आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के रिगार्डिंग। पिछले काफी टाइम से आईपीएल के फैंस इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब हमें रिटेंशन के रूल्स, इसके साथ ही मेगा ऑक्शन के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन, यानी कि इसका वेन्यू, इसके बैलेंस पर्स, किस तरीके से आरटीएम रिटेंशन की चीजें होने वाली है, रिटेंशन की डेट क्या होने वाली है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बीसीसीआई के द्वारा हमें आज शाम 5 बजे के आसपास आउट होते हुए देखने को मिलने वाली है। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज हो जाएगी। तो जैसे ही ये अनाउंसमेंट होती है इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। इसके साथ ही वहां पर हम आपको इन सभी रूल्स को जब ये लाइव आएगा स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर तो वहां पर लाइव भी दिखाएंगे। तो आप लोग अभी फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जहां पर हम इस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करने वाले हैं। फिलहाल हम चलते हैं हमारी आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट जो कि निकल कर आ रही है भारत और बांग्लादेश के बीच में चल रही सीरीज को लेकर, जहां पर कल हमें विराट कोहली का काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट डिसमिसल देखने को मिला। दरअसल गेंद विराट कोहली के बल्ले से जाकर लगी थी, जिसके बाद उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया गया था। रिचर्ड कैटलबर्ग ने इनको एलबीडब्ल्यू आउट दिया था, लेकिन उसके बाद विराट कोहली का इतना ज्यादा बड़ा इनसाइडेज होने के बाद भी उनको पता नहीं लग पाया कि गेंद उनके बल्ले से लग कर गई है। उन्होंने रिव्यू नहीं लिया और उसके बाद वो आउट होकर चले गए, जिसको देखकर रोहित शर्मा और पूरी भारतीय टीम और अंपायर भी शॉक रह गए। इसके बाद विराट कोहली की जो एवरेज है वो टेस्ट फॉर्मेट में, जो कि कभी 55 के अराउंड हुआ करती थी, वो अब गिरकर 48.73 आ चुकी है। 2016 के बाद विराट कोहली की ये लास्ट के 8 साल में सबसे कम टेस्ट एवरेज है। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट जो कि निकल कर आ रही है राजस्थान रॉयल्स की टीम की साइड से। आज से कुछ दिन पहले आरआर की टीम ने अपने हेड कोच के तौर पर भारतीय टीम के वर्ल्ड कप विनिंग हेड कोच राहुल द्रविड़ को अपनी टीम में शामिल किया था और अब राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इन्हीं के साथ जो भारतीय टीम के उस टाइम पर बैटिंग कोच थे विक्रम राठौड़, उनको अपनी टीम का नया बैटिंग कोच अपॉइंट कर दिया है। यानी कि राहुल द्रविड़ अब इनके हेड कोच रहने वाले हैं, कुमार संगकारा इनके मेंटोर हैं और उसके साथ ही विक्रम राठौड़ अब हमें राजस्थान रॉयल्स की टीम के बल्लेबाजी कोच के तौर पर कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट और ये अपडेट निकल कर आ रही है शुभमन गिल की साइड से, जहां पर शुभमन गिल करेंटली अगर हम T20 फॉर्मेट में बात करें तो उसमें भारतीय टीम का हिस्सा बनते हुए नजर नहीं आए थे और ऐसे में शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात टाइटंस की टीम, जो कि पहले 2 सीजन में काफी ज्यादा डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस करती थी, उनका लास्ट सीजन को इतना ज्यादा अच्छा नहीं किया था, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि ये टीम शुभमन गिल को रिलीज करने के लिए ऑलमोस्ट इनका नाम कंफर्म कर चुकी है। अब क्योंकि रिलीज और रिटेन प्लेयर्स के बारे में बातचीत काफी ज्यादा तेज हो रही है, तो ऐसे में रिपोर्ट्स हैं कि ये टीम, जीटी की जो टीम है, वो शुभमन गिल को अपनी टीम में सिर्फ एज अ प्लेयर खिलाना चाहती थी, लेकिन शुभमन गिल इनके इस ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं है। उनका मानना है कि अगर उनको जीटी की टीम खिलाना चाहती है तो उनको कप्तान ही बनाना पड़ेगा, जो कि अब जीटी की टीम नहीं बनाना चाहती, वो अब राशिद खान को इस टीम की कैप्टनसी देना चाहते हैं। तो ऐसे में काफी ज्यादा हाई चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं कि शुभमन गिल हमें जीटी की टीम को छोड़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट जो कि निकल कर आ रही है लेजेंड क्रिकेट लीग के रिगार्डिंग, जहां पर जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि लेजेंड क्रिकेट लीग हमें कल से स्टार्ट होते हुए देखने को मिल चुकी है। कल इसका सबसे पहला मुकाबला हमें देखने को मिला था, जहां पर इरफान पठान और उनके साथ ही हरभजन सिंह की टीमों के बीच में मुकाबला हुआ था। तो ऐसे में अगर आप लोग किसी T20 क्रिकेट के ज्यादा आप लोग फॉर्मेट को पसंद करते हैं टेस्ट क्रिकेट से, तो उनके लिए ये सीरीज है। हालांकि ऐसे ज्यादा लोग नहीं होंगे जो कि भारत की टेस्ट सीरीज को छोड़कर इसको देखेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप में से कोई इसे देखना पसंद करता है तो जाकर चेकआउट कर सकता है। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट जो कि निकल कर आ रही है केएल राहुल की साइड से। केएल राहुल के इस बार आरसीबी में आने की जो खबरें हैं वो तो काफी ज्यादा तेज हैं ही, लेकिन इसके साथ ही अब रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि आरसीबी केएल राहुल को लेने के लिए तो तैयार है, लेकिन इनके लिए उनका जो बजट है वो उनको इतना अलाउ नहीं कर रहा है कि वो केएल राहुल के पीछे बहुत बड़ी बिडिंग करें। तो हो सकता है कि आरसीबी की टीम का बजट इनको सिर्फ 10 से 12 करोड़ रुपए ही परमिट करे कि ये केएल राहुल को अपनी टीम में ले लें, क्योंकि जिस तरीके की फॉर्म में केएल चल रहे हैं और जिस तरीके से उनके लास्ट के कुछ आईपीएल गए हैं उसको देखकर लगता नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा बड़ी बिडिंग अब उनके ऊपर होने वाली है। तो ऐसे में 10 से 12 करोड़ आरसीबी का बजट इनके लिए है, जो कि अभी के हिसाब से तो केएल राहुल के लिए काफी डिसेंट नजर आता है। कमेंट करके आप लोग बताना अगर केएल राहुल नीलामी में आते हैं तो क्या आपको लगता है कितने करोड़ रुपए में सोल्ड आउट हो सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की आखिरी अपडेट जो कि निकल कर आ रही है
कैपिटल्स की टीम की साइड से, जहां पर डीसी की अपडेट निकल कर आती है उनके कप्तानी डिपार्टमेंट को लेकर। हमने आपको पहले भी बताया था कि डीसी की टीम पहले ही रिकी पॉन्टिंग को हटा चुकी है, जो कि किसी भी टीम के लिए काफी बड़ा डिसीजन होता है। तो ऐसे में कुछ कैप्टनसी के फ्रंट पर भी अपडेट्स हैं कि शायद ऋषभ पंत के साथ ये टीम कंटिन्यू ना करे और अक्षर पटेल को अभी अपने नए कैप्टन के तौर पर तैयार करना चाहते हैं। तो गाइज ये वीडियो ही तक थी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।